नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर शिंदे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग और मस्तिष्क को भोजन दें। नॉर्मली हम भोजन तो करते हैं, लेकिन वो भोजन हमारे शरीर के लिए होता है, लेकिन आज तक कभी हमने हमारे मस्तिष्क को भोजन नहीं दिया। इंसान अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करता है, लेकिन कार्य जिस मस्तिष्क के आधार पर करता है उसे भी खुराक देनी पड़ती है। पीएमए मतलब सकारात्मक मानसिक नजरिया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से अपने मस्तिष्क को लगातार शब्दों और तस्वीरों की ऐसी खुराक देना है जो उस दिशा के अनुरूप हो जिसमें आप विकास कर रहे हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए पुस्तक पत्रिका पढ़ें, हर अवसर पर शैक्षणिक ऑडियो कैसेट सुने, शैक्षणिक वीडियो कैसेट देखें, सेमिनार में जाए, लेक्चर में जाए, अतिरिक्त कोर्स करें, विचार के नए आदत पैटर्न्स को विकास की गति बढ़ा दें। आप किसी विषय पर जितना ज़्यादा पढ़ते सुनते देखते और सीखते हैं, उसी क्षेत्र में आप उतना ही गहरा और उतना ही प्रबल आत्मविश्वास और क्षमता महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी भीतरी समझ सुधार लेते हैं तो बाहरी परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। वॉट यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट यू लर्न। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड कंटिन्यूस होना है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने का और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दे तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएगा। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी पड़ेगी। आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता, हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी दोस्तों। और इसीलिए आप अपने मस्तिष्क का भोजन या हमारे मस्तिष्क में जो नॉलेज डालना है ये आप निरंतर करें, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। थैंक यू।